तो हेलो दोस्तों दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आप लोग बहुत कमेंट करके पूछ रहे थे कि आप लोग रोटी क्यों नहीं खाते हैं, रोटी क्यों नहीं खाते हैं। तो दोस्तों इसलिए आज हम लोग दुकान से 1 केजी आटा ले आए हैं। देख सकते हो 1 केजी आटा है, 30 रुपया लिया। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बोल रहे थे कि रोटी थोड़ा बहुत खा लिया करो। तो दोस्तों इसलिए आज हम लोग रोटी बनाएंगे। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिए, हम लोग कैसे बनाते हैं आप लोगों को दिखाएंगे। दोस्तों बहुत दिन के बाद हम रोटी बना रहे हैं और अनुष्का देख सकते हैं इधर बिस्कुट खा रही है। तो दोस्तों हम लोग परोठा बनाएंगे, अभी देखते रहिए, तेल से उसके साथ हम बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग बनाते हैं। आधा तो दोस्तों हम लोग आधा बना रहे हैं, पूरा नहीं बना रहे हैं। तो आधा आटा बचेगा उसको हम लोग कल बनाएंगे कुछ अलग। दोस्तों अनुष्का आटा से बहुत खेलती है, देख सकते हो कैसे खेल रही है। तो दोस्तों अनुष्का आटा बेल रही है, देख सकते हो रोटी बना रही है। What do you think of that?
तो दोस्तों हम लोग का परोठा इस तरह से बन रहा है, देख सकते हो कैसे लग रहा है दिखने के लिए। तो दोस्तों ऐसे ही बनाते हैं हम लोग। तो फिर चलिए दोस्तों पूरा बना लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं, क्योंकि पूरा वीडियो बनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए चलिए पूरा बना लेते हैं उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों हम लोग का रोटी बनकर तैयार हो चुका है, देख सकते हो दोस्तों रोटी बन गया, देख सकते हो ऐसे दिखता है। तो हम लोग इसके साथ में हम लोग गोभी का भुजिया बना रहे हैं, देख सकते हो। तो फिर चलिए इसको भुजिया बनाते हैं, उसके बाद हम लोग रोटी खाएँगे। तो आप सब वीडियो के साथ बने रहिएगा। दूध
कैसे आते हैं? हमें आवाज करो टेंपो गाड़ी में साहब, एक रुपया मकई तो दोस्तों देख सकते हो ये गोभी भुजिया, ये देख सकते हो दोस्तों पराठा देख सकते हो कैसे बना है, कमेंट में बताइएगा। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं खाने के लिए। हम लोग तो रोटी नहीं खाते हैं लेकिन बहुत रिक्वेस्ट आ रहा था इसलिए हम लोग खाना पड़ रहा है आज। तो अनुष्का देख सकते हो एक रोटी ले रही है। तो चलिए दोस्तों हम लोग खाना शुरू करते हैं। दोस्तों बहुत अच्छा लगा खाने के लिए। तो आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।